देखिए पंजाब के हरियाणा पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि एशियस होम राजीव अरोड़ा जो हरियाणा सरकार की हाई पावर कमेटी है वो इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर पहुंच गई है और टिकरी बॉर्डर की सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर अबसे कुछ देर पहले किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद एशियस होम टिकरी बॉर्डर का जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं और पैदल पैदल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं उनके साथ डीजीपी हरियाणा जो खुद डीसी एसपी किसान नेता जो साथ में हैं और उद्योगपति साथ में जो उस बैठक में मौजूद रहे। आपको दिखा देते हैं पूरा प्रशासनिक अमला जिनके सामने दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने की चुनौती है और किसान नेताओं ने साफ कहा कि उन्होंने रास्ते बंद नहीं किए हैं, वो चाहे तो आकर देख सकते हैं और इसीलिए देखने के लिए अधिकारियों की टीम टिकरी बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये रास्ता सीधा बॉर्डर की तरफ जा रहा है, उधर आगे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है और यहाँ उसी बैरिकेडिंग को देखने के लिए एसएस होम और उनको बताते हुए बीसीसीआई के अधिकारी प्रधानमंत्री जी बैठे है साडे मोर्चे दे 11 महीने पूरे हो गए। पहली बार है कि हरियाणा सरकार की हाई पावर सरकार के हाई पावर कमेटी किसानों के बीच पहुंची है, किसान नेताओं से सार्थक बातचीत हुई है, सार्थक माहौल में बातचीत हुई है और उसी बातचीत के बाद हरियाणा सरकार के हाई पावर कमेटी किसानों के बीच पहुंची है। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहाँ पर किसान नेता प्रशासनिक अधिकारियों की हाई पावर कमेटी के साथ साथ है। देखिए यहाँ से ये दिल्ली एक कॉर्नर है, मोड़ है, वहाँ पर गाड़ियाँ प्रशासनिक खड़ी और उस पर पैदल आ रहे हैं। दिल्ली के बंद रास्तों के इस वक्त सीधा दिल्ली के टिकरी बॉर्डर और आपको हम पहले अधिकारी टिकरी की तरफ जाता है ये टिकरी बॉर्डर और ये इसी बंद रास्ते को खुलवाने की जद्दोजहद चल रही है। लगातार उद्योगपति भी आमंत्रण करते रहे, बातचीत करते रहे हैं। ये देख रहे हैं इस तरीके से दीवार लगाई हुई है दिल्ली पुलिस ने जिसके कारण रास्ता बंद है और इसी बंद रास्ते को खुलवाने की कवायद चल रही है। हम खुद अपने आंखों से इसे सामने ये पूरा दृश्य देखा है और अब वापस जाते हुए जिला उपायुक्त झज्जर ब्रीफ कर रहे हैं पूरे आईजीपी रोहतक साथ में है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीधी प्राइमरी काम करते हैं। अब यहाँ से हरियाणा शुरू होता है, हरियाणा की सीमा और ये है एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से आगे दिल्ली की सीमा शुरू होती है और दिल्ली की सीमा में दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते बंद किए हुए हैं। किसान नेताओं ने जो बैठक में ये बात कही कि उन्होंने रास्ते बंद नहीं किए, दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद कर रखे, तो उन्हीं बंद रास्तों का जायजा लेने के लिए एसएस होम तमाम हमले के साथ हाई पावर कमेटी के साथ मौके पर पहुंचे थे और खुद अपनी आंखों से रास्ता देखा, बैरिकेड पर चढ़कर उन्होंने देखा कि किस तरीके से रास्ते बंद हैं। सर एक बाइट हो जाए वही चलेंगे ना वही बाइट सर एक रास्ते देख कर सीधे वहाँ वापस बैठक स्थल पर पहुँच रहे। बैठक दोबारा शुरू होगी सर, अब दोबारा से बैठक शुरू होगी, एक बार बैठक में
जो मजमून सामने आया भाई। मौके पर अरे उतर ले भाई।